वेलकम बैक टू गपशप। समीना जी ये बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की, ये एक बिल्कुल और पर्सपेक्टिव है, और पर्सपेक्टिव नॉट ग्लोबली मगर हमारे यहाँ पे जिस स्पीड में काम होता है, आपको लगता है क्योंकि आप माशाल्लाह हम सब में से ज़्यादा आप काम कर रही हैं और करती हैं और कर चुकी हुई हैं, कि ये जो बात मंदर साहब ने की, इसको अप्लाई करने का टाइम होता है हमारे एक्टर्स के पास? नहीं है, और ना उनको समझ है। ये मैं जवाब बड़े, बड़े मैंने जवाब देना था मैंने इसलिए उनको बॉल फेंकी है क्योंकि नहीं मैंने जवाब दिया। जो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीरियल होते हैं, उनमें मिलता भी है हाथ यूं यूं करके बात करूं हाँ नहीं नहीं टाइम होता है, होता है। आपको लगता है एक्चुअली में कि इतना टाइम होता है कि उसके अंदर ये पूरे प्रोसेस के अंदर जंप इन कर सके और इस तरह का आउटकम निकल सके या स्टेज पे पहुंच सके? इतना नहीं होता, नहीं होता ना, मुझे नहीं लगता नहीं होता। इतना होता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। लाइक आई मीन यू डोंट गेट 2-3 महीने टू थिंक अबाउट इट, टू वर्क ऑन इट या कुछ ऐसे, हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी मैंने एक ड्रामा किया कुछ अर्सा पहले, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था मगर हमारे पास टाइम नहीं था, हमें मिला बिल्कुल एक दिन पहले रिकॉर्डिंग से। तो उसमें आप कितनी दफ़ा पढ़ेंगे उसको, कितना ज़्यादा सोचेंगे, क्या करेंगे, दूसरे बंदे के साथ आपकी कोई रिहर्सल नहीं हुई हुई वहाँ सेट के ऊपर, जो पहला रिएक्शन हमें हो रहा है उस स्क्रिप्ट का, हम वो कर रहे हैं, वी नॉट गोइंग डीपर इनटू द कैरेक्टर के अंदर हम नहीं जा रहे, हम ये उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, छः प्रोजेक्ट्स हैं वो सिमल्टेनियसली वो कर रहा है एक आदमी, बिल्कुल ठीक है। मगर मैं फिर भी क्रेडिट दूंगी कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम इसी के अंदर कर लेते हैं। ये बात मैं ये नहीं कर रहा कि काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं तो आई एम वेरी, मैं तो जो भी लोग हमारे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अगेंस्ट अ लॉट ऑफ ऑड्स वो पूरी अपनी कोशिश के साथ, ईमानदारी के साथ, अपना पूरा जितना वो कर सकते हैं वो उसमें कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है। वो एक बिल्कुल और साइड से, क्योंकि एवरीडे वर्क वाला जो बात की है उसका, मगर ये एक और बिल्कुल और बात है कि ये इट्स अ स्टेप दैट आई थिंक वी मिस बिकॉज हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। और उसकी वजह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आजकल के दौर के मुताबिक अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो बीच में जो भी हमसे छक्के चौके लग जाते हैं, मगर ये एक और डिबेट का लेवल है, क्रिएटिविटी की बात। ये चीज जो होती है ना कि एक प्रोसेस से गुजरना, बिल्कुल वो हम जब हम स्टेज के प्लेस कर रहे होते हैं, ड्रामा कर रहे होते हैं, उसमें से गुजरते हैं कि पहले दिन आपने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा है, आपने फिर सोचा है, फिर रिहर्सल में, और आपने बहुत उस किरदार को, उस पूरी सिचुएशन को, उसको एक्सप्लोर किया है, आप डिफरेंट चीज़ें करके देखते हैं कि क्या चीज़ आपको, उसकी सच्चाई आपको क्या नज़र आती है, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक लेकर उसको जाती है ना। तो वो इतने लग्जरी अब नहीं है, अब नहीं है, या आजकल का जो दौर तेजी का और मारामारी का चल रहा है और जितना कमर्शियल हो चुका हुआ है। देखिए ना, कमर्शियल तो एक लफ्ज़ है, ठीक है, इसमें चक्कर ये भी है कि एक चीज को कंज्यूम करना, ठीक है, आपने उसको हजम कर लिया है, हजम अगर हो गई है तो इट्स गॉन, वो खत्म हो गई है, ठीक है। जो हमारी मार्केट है उसमें यही है ना, जो असूल है मार्केट का कि आपको वो चीजें मुहैया करेगी जो कि कंज्यूमेबल है, आपने कंज्यूम करना है उसको। अब क्रिएटिविटी जो है वो कंज्यूम नहीं होती। क्या अच्छा जी, वाह वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हैप्पी बर्थडे टू वजीर सर्रा, बोल लो गाली, हैप्पी बर्थडे टू मी, बाद इस प्रोग्राम आई हो, हां जी, हेलो, लोअर योर टोन, ओके, देखिएगा एक ही कर रहे हैं टोन लो की। What is this happy birthday? असल में ना उसकी बर्थडे आ रही है ना जी, 20 दिन के बाद, वो जरा खुश है, हैप्पी है, तो गा रहा था अभी से ही 20 दिन पहले ही। हाँ जी, कर लें कर लें कर लें। तब महज़न का दफ़ी स्टेडियम सैयद लिसो रिजाल जमील रिफान। ओह क्या था, मैंने पूरा कजासवी स्टेडियम बुक करवा लिया है। किसके लिए? अपनी बर्थडे के लिए। हाँ जी, बेजड़ा तेरा बेटा, तेरा कजासवी स्टेडियम ही बंद है। कजासवी स्टेडियम जी सर, बड़े मेहमान आएंगे, पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे ना। 70,000 pounds काकतो शकुलातो, लो कहंदा 60,000 pounds दा सिर्फ केक बनवाया है। 60,000 pounds जी सर, वो पूरा का पूरा ऐसे बिछेगा, पूरा वो जो गोल ग्राउंड नहीं है उसके दरमियान में बिछेगा, भी पूरी दुनिया ने खाना है ना सर, थोड़ा थोड़ा करके। और जिन्हों ठंड लगेगी उत्ते लेके सो भी जाएगा। एक्सक्यूज मी, सैकून होना का तिमसाल उजाबी फिहादर काका, कहंदे वो केक जड़ा सी बनवावांगे ना, ओदे उत्ते मेरा मुजस्मा इंज करके बनया होएगा।
इसके अलावा क्या है? या चौधरी या मसूलन अन इस्तदाफत कहते जी आप अगर उस प्रोग्राम की वो मेजबानी करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। होस्टिंग मैं करूं? इस्तकबालो दियोफी जिन्हें भी सेलिब्रिटीज आएंगे उनका इस्तकबाल आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा फ्लूस माफी मुश्किल ला 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 बहुत पैसे लेते हैं। कम फ्लूस कम अज कम 60,000 रुपया एक दिन का। मेरी सालगिरह ही 1700 रुपया ले तिना दिन का। तुम चुप करो मुझे बात कर लेने दो। और रोटी भी अपनी सी ना दी। मैंने कहा ना चुप करो मेरी डील ना खराब कर। बताइए बताइए क्या कह रहा था? 60,000 बाउंड one day माफी मुश्किल बाद में प्रोग्राम $1 million व सियारा रोल्स रॉयस कह दे रोल्स रॉयस $1 million रोल्स रॉयस मैं कर दूंगा होस्टिंग। सोचे तो सही है क्या शो के अंदर कबीर आग लगी होंगी बंदा बैठा होंगे वे पकाने उत्ते जा रहे होंगे एयर बलून कहते हैं एयर बलून एयर बलून कह रहे हैं वहां से एयर बलून कदाफी स्टेडियम से उड़ेंगे उड़ेंगे। अच्छा रिफाकुल एजी गौशी कहते जेडे मेहमान आने गौशी गौशी अच्छा गुची 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 ना कहना गौशी वर्षाची वर्षाची लियो बताऊं लियो बताऊं आलू बताऊं नहीं लुई बतौन ब्रांड है ये सब फिके खरबूजे का मुंह है तेरा लुई बतौन हां गल मैं की थी नहीं वैसे कह रहे हैं सही कहते हैं गुची वर्षाची वर्षाची लुई बतौन सायतेमो इस्कातुल अहजिया ये आसमान से बरसेंगे। आईवा अच्छा कहंदे ने वो मेहमानां वास्ते गिफ्ट जड़े ने उदे च बेशुमार चीजां होणगीआं जिहड़ी हेलीकॉप्टर तों आवाम ते सुटियां जाणगीआं। लुई विटॉन गुची और वर्साची उपर आवाम पे फेंकी जाएगी वहां से। इन वास्ते तो कुछ भी नहीं है सर। बादल आज साअतुल रोलेक्स खाली फिर बाद सारे एक एक रोलेक्स घड़ी भी सब मेहमानों को रोलेक्स मिलेगी। जी जी बस पहले तुसी आप होणे ने लकद अहदैतु लिनफसी जजीरा कहंदा मैं अपने आप नूं एक जजीरा गिफ्ट करन लगा। आप ही अपने आप ने इसको खुद जजीरा दे रहा है बाकी दुनिया में जो लोग हैं वो क्या देंगे? अरे वो फिर ब्रिटानियल प्रिंस वसवी सियारत अल खास कहंदे ब्रिटानिया का जो प्रिंस है वो मैंने एक हेलीकॉप्टर जड़ा है छोटा तियारा जड़ा है वो गिफ्ट करने लगा। वाह वाह अरे वो फिर ऑस्ट्रेलिया वसवी बहरीन अल हकी कहंदा ऑस्ट्रेलिया वाले सानू एक बहरी जहाज दे रहे हैं। अरे वो है द गिफ्ट सारे गिफ्ट दे रहे ने या वरेज इन द माफी सो वी विदा द हदिया मैं भी गिफ्ट देंगा इश ओ जेड़ा केक कटण वास्ते तन्नू छुरी नहीं चाहिए थी। आई वा लेकिन छुरी ना ना देना तुसी मुंह ना काट लेना वरेज साहब। आइकॉनिक बर्थडे दिस इज गोइंग टू बी आई मस्ट आई वा फी आई मशहूर हदा सेलिब्रेट कहना कुछ मशहूर सेलिब्रिटी जेड़ी तुम्हारी पसंदीदा जेड़ी बुलाई हमारे पास आज बड़े जबरदस्त सेलिब्रिटीज बड़े मशहूर आए हुए हैं मेन कल भी मैं तेरे मुंह जुड़े के पैसा ये क्या था डू यू नो आई वाज आरिफ अन आरिफ आई वाज मैं आरिफ एज अ बेबी बाजी अरे बाजू शमीना आपी आई वाज उशाहिदु ड्रामा अइंद मा कुंतु तिफलन कहंदा जब मैं तुम्हारा ड्रामा देखना ना मैं बहुत हंसना किस तरह हंसते हो ਕਣਕ ਲਾਇਓ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੇ ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਹਰ ਵਰਕ ਆਈ ਵਾ ਅਨਾ ਸੂ ਹਾ ਡਰਾਮਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਯਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਯਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੰਟ ਆਈ ਵਾ ਨਾ ਆਰਿਫ ਵਾ ਨਾ ਆਰਿਫ ਮੈਂ ਚਲ ਐ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਨੇ ਉਨਕੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਆਜਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੈਫ ਹਾਲ ਹੈ ਹਬੀਬੀ ਹਬੀਬੀ ਚੁਕਰ ਕਰ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਐਸ ਹੱਥੇ ਸੀ ਅਗਰ ਐਸ ਹੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਖੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸੀ ਫੱਲੇ ਫੇਰ ਸਭ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾ ਮੌਜੂਦ ਅਲ ਆਫਿਸ ਓਕੇ ਫੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਨੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ